नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉल्व असाइनमेंट खरीदते वक्त क्या सावधानी बरतें। देखिए, पहले तो मैं यही कहता हूं कि आप खुद बनाइए, लेकिन अगर आप खुद नहीं बनाना चाहते या नहीं बना पाएंगे तो फिर सॉल्व असाइनमेंट ही खरीदना पड़ता है, ठीक। या कोई और तरीका होता है, उसके हिसाब से आप अपने फ्रेंड से असाइनमेंट ले लीजिए या इससे तरीका होता है। तो सॉल्व असाइनमेंट खरीदते वक्त क्या सावधानी बरतें, क्योंकि सॉल्व असाइनमेंट के नाम पर फ्रॉड भी होता है और इससे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो लुट भी जाते हैं, ठीक। जैसे आप किसी को पैसे तो दे देते हैं लेकिन वो असाइनमेंट नहीं देता आपको, ठीक। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या फ्रॉड होते हैं और उसके बाद फिर आप उनसे कैसे बच सकते हैं, ठीक। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, साथ में इसके बारे में भी बात करेंगे कि उसके बाद फिर असाइनमेंट सबमिट करते वक्त आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखें अगर आप सॉल्व असाइनमेंट खरीद रहे हैं या खरीदने की सोच रहे हैं, ठीक। सबसे पहले फ्रॉड के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहला फ्रॉड जो होता है, जो कि कॉमन होता है, कि आपके पास कोई भी आपने कहीं पर भी कमेंट किया कि मुझे चाहिए सॉल्व असाइनमेंट चाहिए या मैं ये असाइनमेंट नहीं बना पा रहा हूँ, तो फिर नीचे आपके नंबर आ जाता है कि ये इस नंबर पर आप कॉल कीजिए या पेटीएम कर दीजिए 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये जितने भी, और आपको असाइनमेंट जो है दे दिया जाएगा, ठीक। आप क्या करते हैं, आप पहले ही उसमें पेटीएम में रुपए जो है दे देते हैं, जो भी प्रोसीजर को करवाते हैं पेमेंट का वो आप कर देते हैं। उसके बाद वो आपको असाइनमेंट तो देते हैं लेकिन वो एक साल पुराना देते हैं, और ये काफ़ी सारे बच्चों के साथ हुआ है, तो इसमें तरह से बिल्कुल भी ना पड़े। अगर आप असाइनमेंट खरीदना ही चाहते हैं तो किसी वेबसाइट से खरीदें कि जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी तो हो, ठीक। 3 या 4 वेबसाइट ऐसी हैं जो कि असाइनमेंट जो है प्रोवाइड करवाती हैं और वो दे देती हैं आपको असाइनमेंट। अगर आप 2019 में असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं तो 2019 का ही असाइनमेंट आपको मिलना चाहिए, ठीक। लेकिन काफ़ी सारे जो इंडिविजुअल होते हैं जो कि कमेंट करते रहते हैं हर फेसबुक ग्रुप्स में भी, वीडियोस के नीचे भी, कि मैं इस नंबर पे आपका आप करवा दीजिए पेटीएम और मैं आपको असाइनमेंट जो है वो दे दूंगा, तो वो क्या करते हैं नॉर्मली कि एक साल पुराना आपको असाइनमेंट दे देते हैं, जो कि अब तो वैलिड नहीं है। अब 1 साल पुराना या 2 साल पुराना असाइनमेंट आपके किस काम का, ठीक। तो पहले आप ये जांच लीजिए कि उसके पास सच में असाइनमेंट है भी या नहीं। दूसरा क्या होता है कि आपसे रेट ज़्यादा ले लिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि 30 रुपये जो होता है वो नॉर्मली उसमें आपको असाइनमेंट कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक। आपको 30 रुपये में एक असाइनमेंट जो है आसानी से मिल जाता है, ठीक। मैक्सिमम अगर आपके पास ऐसा कोई असाइनमेंट है जो सब्जेक्ट कोई भी बच्चा नहीं लेता तो उसका असाइनमेंट मिलना रेयर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 50 रुपये, इससे ज़्यादा का कोई असाइनमेंट नहीं होता, ठीक। कुछ आपको शुरुआत में कहते हैं 80 रुपये या 90 रुपये का असाइनमेंट, तो इस तरह का इतना महंगा असाइनमेंट आपको खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक। 30 रुपये से ज़्यादा आपको एक असाइनमेंट के लिए देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। 30 रुपये में आपको असाइनमेंट जो है मिल जाएंगे। और अगर आप असाइनमेंट खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप वेबसाइट्स के जरिए असाइनमेंट खरीदिए। कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे खोजी नेट है, सॉल्ड असाइनमेंट नाम की एक वेबसाइट है, वो असाइनमेंट्स देते हैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। उसके बाद फिर आपको सॉल्व जो होता है उसको लिखना फिर अपने उसमें होता है, अपनी अपने हैंड राइटिंग में आप उनको लिख दीजिए, ठीक। और उसके बाद फिर आप जमा कर सकते हैं। साथ में असाइनमेंट जब आप लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको एज इट इज उसको कॉपी नहीं कर देना है, ठीक। क्योंकि आपको अगर आप देखेंगे, मैंने खुद कुछ असाइनमेंट्स देखे हैं ऐसे जो सॉल्व असाइनमेंट के नाम पर बिक तो रहे हैं लेकिन असल में उनमें उतना वो कंटेंट होता नहीं है जो सही है, ठीक। वो क्या करते हैं कि मान लीजिए एक टॉपिक है भारत की स्वतंत्रता के ऊपर, एक क्वेश्चन आया असाइनमेंट में, और वो क्या करेंगे पूरा का पूरा इग्नू में जो पन्ना था भारत की इग्नू की बुक में भारत की स्वतंत्रता के ऊपर, वो पूरा का पूरा एक पन्ना या दो पन्ना जो भी था एज इट इज कॉपी पेस्ट करके उन्होंने वहाँ पर लिख दिया है और उसको क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आप असाइनमेंट सबमिशन जब होगा तो जब चेक किया जाएगा टीचर्स के द्वारा तो पकड़े जाएंगे, ठीक। एक बार क्वेश्चन लिखने से पहले एक बार खुद भी जांच कर लें, ठीक। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपको इतना ज़्यादा नहीं लिखना जितना कि उसमें लिखा हुआ है। आपको वहाँ पर से रेफरेंस मिल जाता है कि आपको क्या क्या इसमें लिखना है, तो 20 लाइन 25 लाइन जो कि आपको समझ में आ रही है कि जो कि ठीक हैं उनको आप लिख दीजिए। तो कभी भी इस तरह से ऐसा नहीं होगा कि आप असाइनमेंट सबमिशन आपने किया और आपका असाइनमेंट रद्द कर दिया गया, इस बात का ज़रूर आप ध्यान में रखें। साथ में जो कि मैंने जैसे बताया कि आप किसी भी इंडिविजुअल से असाइनमेंट खरीदने की कोशिश ना करें, ठीक। सबसे पहला काम तो यही है कि आप जो है कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं जो कि आप अगर कोई क्वेश्चन लिख देंगे तो उसका आपको आंसर दे देती हैं, ठीक।
आप ज़्यादातर असाइनमेंट जो होते हैं आप असाइनमेंट के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और अगर आप एक असाइनमेंट का कोई भी क्वेश्चन है उसको गूगल पे सीधा उसको लिख भी देंगे ना, तो उससे रिलेटेड 10 या 15 क्वेश्चन, अगर एग्जैक्टली उसका आंसर नहीं आएगा तो उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो एग्जैक्टली उसका आंसर ना मिले लेकिन 80-90% वाला जो उसके रिलेटेड आंसर जो होगा वो आपको गूगल पे पक्का मिल जाएगा। ठीक, तो अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक, ये तरीका भी है आपका असाइनमेंट सॉल्व करने का असाइनमेंट। लेकिन अगर आप खरीदना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप नहीं बना पाएंगे, ठीक, तो तब आप असाइनमेंट खरीद सकते हैं। ठीक, अगर आप पकड़े नहीं जाते या असाइनमेंट टीचर को नहीं पता चलता तो आपका असाइनमेंट जो है वो चेक कर लिया जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या सावधानी बरतनी है, आपको एक तो असाइनमेंट ऑथेंटिक उससे लेना है कि आपको जो ईयर का आप मांग रहे हैं वो आपको वही ईयर का मिल जाए। अगर आप 2019 का मांग रहे हैं तो 2019 का आपको मिल जाए। ठीक, आप पहले देख लीजिए, उससे कहिए कि एक स्क्रीनशॉट दिखा दे मुझे कि 2019 का ही है। ठीक, और उसके बाद ही आप इसको लें। और दूसरा क्या है, एग्जैक्टली आपको उसमें जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, उसमें अगर पूरा पन्ना लिखा हुआ है तो उसमें आप छांटिए कि कौन सी चीज़ें जो हैं ज़्यादा अच्छी हैं और उसमें मुझे नंबर मिलेंगे, और उसको फिर अपनी लैंग्वेज में आप लिख दीजिए। इससे कभी भी इस तरह का नहीं होगा कि आप पर कोई शक जाएगा कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया, क्योंकि अगर एक ही असाइनमेंट को 20-25 लोगों ने लिखा है तो टीचर आसानी से पकड़ लेता है कि ये उसने ये किसी से कॉपी किया हुआ है। ठीक, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान में रखें और इस तरह के फ्रॉड में ना पड़ें कि जो आपको कहते हैं कि वो आपको असाइनमेंट जो है दे देंगे लेकिन वो आपको पुराने असाइनमेंट जो है दे देते हैं। ऐसा काफ़ी लोगों के साथ हुआ है और कुछ दिनों से मेरी जितनी भी वीडियोस हैं असाइनमेंट से रिलेटेड उनके नीचे इतने काफ़ी सारे इसके रिलेटेड कमेंट्स जो है वो आ रहे हैं, जिसमें लिखा रहता है कि इस नंबर पे आप कॉल कीजिए या इस वेबसाइट पर आप जाइए और आपको हम सॉल्व असाइनमेंट दे देते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि अगर आपके मेरी वीडियो के नीचे आपने कोई कमेंट किया है और उसके नीचे आपको भी ऐसा कोई कमेंट मिल जाता है तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई रिलेटेड सॉल्व असाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो फिर आप क्वेश्चन जो है ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट नीचे करके। ठीक, वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।